कोरिया जिले के रक्षित केंद्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया है। वह आपको बता दें कि एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी थी। मामला सामने आने के बाद पटना थाना प्रभारी ने पुलिस की टीम गठित कर जाँच की, जिसमें घटना स्थल पर शव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद प्रथम दृश्य हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने तुरंत जाँच शुरू की। जांच के दौरान ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। इलाज जो है वो डॉक्टर थी, उसके सिर पे चोट लगी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका गला दबाकर किसी ने हत्या की गई है। इसकी सूचना उसने थाना पटना में दी। थाना प्रभारी पटना के द्वारा इसमें त्वरित गंभीरता से कार्रवाई करते हुए तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। आसपास के लोगों से पूछताछ में यह पता चला कि पति और पत्नी का हमेशा विवाद होता रहता था। ना दिनांक से पति जो है वो फरार था और कल पति को फरार था उसे पकड़ा गया है और उसे पूछताछ ली गई तो उसने ये बताया कि मृतिका का किसी से अवैध संबंध था, जिसके कारण वो हमेशा लड़ाई झगड़ा लोगों के बीच होता रहता था और इसी के कारण उसने अपनी बीवी की गलत बात हत्या कर दी थी।